हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव यादव ब्लॉग। और फाइनली मैं आ गया हूँ लोहिया पार्क में। लोहिया पार्क के बारे में भी आपको डिटेल बताता हूँ 2 मिनट। पहले जगह पे, उस जगह पे पहुँचने दीजिए जहाँ से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। फाइनली मैं वही पॉइंट पे पहुँच गया जहाँ से 1 साल पहले मैंने यहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और मेरा फर्स्ट वीडियो में जो ब्लॉग वीडियो है वो भी मैनपुरी का है, और सॉरी मैनपुरी का तो है ही पहला वीडियो, बट वो भी लोहिया पार्क का है। तो मेरा फर्स्ट जो ब्लॉग वीडियो है वो लोहिया पार्क का, और आज 1 साल हो चुका है मुझे ब्लॉगिंग करते हुए। अगर वीडियो मेरा लोहिया पार्क का नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कीजिए, आप देखिए और आप खुद कमेंट करके मुझे बताइए कि पहले से लेके अब के अब तक 1 साल में लोहिया पार्क में क्या चेंज आया और मुझ में क्या चेंज आया, ये सारी चीज़ें बताएंगे। 1 साल कंप्लीट हो चुका है, उसी की खुशी में एक छोटा लोहिया पार्क का विजिट ब्लॉग है, क्योंकि पहला ब्लॉग मेरा लोहिया पार्क का, इसीलिए मैं 1 साल बाद लोहिया पार्क ही घूमने आया हूँ। और लोहिया पार्क के बारे में आपको डिटेल, थोड़ी बहुत डिटेल ऑलरेडी मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, तो एक छोटा मोटा ब्लॉग होगा लोहिया पार्क का। आई होप आप सभी लोग भी एंजॉय। मैं यार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं थोड़ा लेट हो गया, तो शाम अप्रोक्स 6 बज चुके हैं, अंधेरा होने वाला है, और थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो का विजुअल इतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं कोशिश बहुत जल्दी कर रहा कि जल्दी से जल्दी बहुत डिटेल, थोड़ी बहुत डिटेल आपको दे दूँ। तो और फुल डिटेल अगर वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मैं बना चुका 1 साल पहले, तो वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए या लोहिया पार्क मैनपुरी डाल दीजिए, पहला भाई का ही वीडियो सबसे टॉप पर होगा, तो उसे चेकआउट ज़रूर करिए। और जो 1 साल बाद जो चेंज देखा, एक छोटा सा चेंज देखा कि पहले बोटिंग वगैरह नहीं होती थी, अब फाइनली आज वैलेंटाइन डे है उसकी वजह से बोटिंग हो रही, पता नहीं पर बट आज बोटिंग हो रही है। तो बोटिंग करें या ना करें पता नहीं, पर आपको बोटिंग करते हुए दिखा तो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं बोटिंग करूँगा, बट फिर भी आपको दिखा सकते। एक छोटा सा चेंज आया हम लोगों के लोहिया पार्क में, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा कह सकते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा चेंज दिखा सकते हैं। ये देखो वहाँ बोटिंग हो रही है, आपको दिख रहा होगा वहाँ बोटिंग हो रही है। 1 साल पहले बोटिंग नहीं हुआ करती थी, बट अब बोटिंग हो रही है। कम से कम बोटिंग होते हुए तो देख लिया कितना अच्छा चेंज आया है। आपने देखा ये साइड में बोटिंग हो रही है, तो कैसा लग रहा? काफ़ी अच्छा लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा कि 1 साल पहले जो कंडीशन थी लोहिया पार्क की उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। थोड़ा बोटिंग स्टार्ट की, एक व्यू तो मिल रहा है यार कम से कम इतना अच्छा। और पीछे ये देखिए, अगर आपने नहीं देखा 1 साल पहले क्या कंडीशन थी, आप इस राइट में देख सकते हैं पिक में, 1 साल पहले क्या कंडीशन थी और अभी क्या कंडीशन है, ये मज़ा आ गया देख के। आप पीछे बैकग्राउंड खुद देखिए कितना अच्छा और कितना शानदार व्यू लग रहा है। और ये सीढ़ियाँ, ये जो ब्रिज बना है, छोटा ब्रिज बोल सकते हैं इसको, ये पार्क के बिल्कुल मिडिल में है, तो इस यहाँ से पूरे पार्क का व्यू बहुत शानदार आता, बहुत से लोग सेल्फी भी क्लिक कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू कैसे, ये बोटिंग वाला है, ये इस साइड भी बोटिंग वाला है और देन उस साइड भी बोटिंग वाला है। ये सब फोकस मेरा नहीं चाह रहे का, ये लाइट है और ये पीछे पार्क का है, ये सारा फोकस लाइट का है, कितना अच्छा लग रहा है। अप्रोक्स अंधेरा ही हो गया, आप चारों तरफ देख सकते हैं, अप्रोक्स शाम हो चुकी है, अब अंधेरा भी हो गया, बट इस लाइट की वजह से काफ़ी अच्छा फेस पर फोकस आ रहा है, इसलिए कुछ बातचीत हो जाए कि पार्क के बारे में, पार्क में क्या चेंज हुआ है, पहले से कितना चेंज हुआ है और 1 साल में क्या चेंज आया, इसके बारे में थोड़ी डिटेल तो आपको दे ही दूँ। और ये लोहिया पार्क स्पेशल वीडियो क्यों था,
आपको पहली वीडियो में बता दिया था, क्योंकि मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया ब्लॉगिंग करते हुए। और जो मेरा पहला ब्लॉग वीडियो था, मैनपुरी के लोहिया पार्क से स्टार्ट किया था, और अब तक का सफ़र बहुत शानदार रहा, आप लोगों का प्यार बना रहा, तो आगे का भी सफ़र अच्छा रहेगा। मैनपुरी के मैंने ब्लॉग वीडियो 30-35 ऑलरेडी बना चुके, चेकआउट करो चैनल पर, पूरा देखो। और ये वीडियो मैंने स्पेशली 1 साल कंप्लीट होने के बाद यार वैलेंटाइन डे वाले दिन आया, क्योंकि संडे था, मैं संडे को ही फ्री रहता हूँ, तो डेज़ कोई मैटर नहीं करता, मैं कब आया ये मैटर करता, तो इसीलिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली घूम सकते, बस हाँ थोड़ा पुलिस वगैरह ज़्यादा थी। सबसे बड़ी बात, जो भी चेंजमेंट आई है लोहिया पार्क के, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला तो बोटिंग कितना यार अच्छा लग रहा था, बोटिंग 1 साल पहले कितनी बोट की हालत आपने देखा, देखा नहीं है तो वीडियो देखो जाके 1 साल पहले, वो डिटेल वीडियो था। ये थोड़ा सिंपल शॉर्ट वीडियो है, इसमें थोड़ी सी डिटेल दी, पर डिटेल वीडियो वही है, तो उसे चेकआउट करो जाके। और 1 साल में काफ़ी चेंज हो गए, नर्सरी में फ्लावर वगैरह भी बहुत शानदार लग रहे थे, और आने वाले टाइम में और कुछ चेंज होगा, तो बहुत कुछ मैनपुरी भी बदल ली, सब चीज़ मैनपुरी की बदलनी चाहिए, तो ये पार्क भी बदलना। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इतना सब देख के, कि मैं वो ब्लॉग वीडियो बनाने के बाद मैं सॉरी लोहिया पार्क बिल्कुल भी विजिट नहीं, वो ब्लॉग वीडियो बनाने के बाद मैं मैनपुरी में लोहिया पार्क में बिल्कुल भी विजिट नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से 1 साल बाद मैं आया। और भाई शानदार, क्योंकि अब कोविड की सिचुएशन होगी, 7-8 महीने तो कहीं जाना भी नहीं हुआ ज़्यादा, उसके बाद मैं आया, तो इसलिए मुझे बहुत शानदार लगा इतना सब। बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ है लोहिया पार्क में, पता नहीं मेरी वीडियो की वजह से हुआ, कैसे भी हुआ यार, हुआ चेंजमेंट होता है, वो मैटर करता चेंज हुआ। और देखो अब बाहर निकल के देखते कुछ फास्ट फूड में मिलता है, तो टेस्ट करके आपको बताते लोहिया पार्क के पास, नहीं तो ऑलरेडी इतने सारे वीडियो मेरे ब्लॉग वीडियो फूड ब्लॉग भी हैं मैनपुरी के, भाई उसे चेकआउट करके आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रीट फूड है, और कितने सारे रेस्टोरेंट हैं अच्छे अच्छे, उसे भी आप चेकआउट करिए और देखिए। और इतना सब था मैनपुरी के डिटेल में, आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मैनपुरी वाले, बस कुछ भी समझो मैनपुरी वाले, अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने आप किया करो, बोलना ना पड़े।